होशियार मेहरबान कदरदान रिवाइज इंडिया वापस से आ रहे हैं. ओके गाइस, तो वेलकम बैक. दिस साइड संजीव पांडे, आप देख रहे हो एडू हैप. और यहां पर गुड न्यूज है नाइन्थ और टेंथ क्लास के बच्चों के लिए, जो लोग भी जिनका एग्जाम बहुत पास है, ऑफकोर्स टेंथ वालों का तो है ही, नाइन्थ वालों का भी एग्जाम बहुत क्लोज है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही तेजी से पावर पैक तरीके से हम यहां पर रिविजन कराने वाले हैं, वो भी लाइव ऑन यूट्यूब. ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है, इसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट के अलावा आपके क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, चाहे वो पीवाई क्यू हो, चाहे वो कुछ एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चंस हो, ठीक है, या फिर आपका जो भी कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस हो, तो ऐसे बहुत सारे सवालों का कॉम्बिनेशन होगा अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये जो है ये अब जब आप पढ़ रहे होगे फुल चैप्टर के साथ में, एक अलग ही मजा होगा, एक अलग ही जर्नी होगी, और आप बहुत ही कम टाइम में अपने आप को पूरा का पूरा रिवीजन से प्रिपेयर कर पाओगे, पावर पैक बना पाओगे. ठीक है, तो यहां पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट से. ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का नाइन्थ और टेंथ का मैं आपको टाइम टेबल दिखा दूंगा. ओके, और फॉलोड बाय वैसे ही आपके एज पर द डिमांड जो भी सब्जेक्ट, सोशल साइंस होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा, वो सब चीजें भी वहां पर होने वाली है. सो लेट्स सी द टाइम टेबल. और यहां पर मैं आपको टाइम टेबल जो है, दिस इज अगेन रिवाइज इंडिया, तो एक बहुत ही अच्छे अवसर पर आ रहा है ये आपके 26 जनवरी, ये जो पूरा इंडिया का हफ्ता है, इसमें हम साइंस का रिवीजन कर रहे होंगे. ठीक है, सो दिस विल बी कॉल्ड अ साइंस वीक. ठीक है, आप एडू हैव साइंस वीक कहो, इंडिया साइंस वीक कहो, यहां पर ऑल इंडिया लेवल पे हम रिवीजन कर रहे होंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब. ठीक है, तो आपको जरूरत है बस यहां पर आ जाने की. डेट और जो भी शेड्यूल्स है वो आपके सामने है, जैसे कि देखो 21st से शुरू हो रहा है, 21st को आपका 21st ऑफ जनवरी यानी कि कल ही आपका जो है सेल और टिश्यू नाइन्थ क्लास का होगा. ठीक है, द टाइमिंग विल बी 4 PM. ठीक है, और टेंथ वालों का होगा 8 PM. ओके, और टेंथ वालों का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो जैसे आपका नाइन्थ वालों का बायोलॉजी हो रहा होगा बाय कृषि मैम, ठीक है, 4 o'clock, और टेंथ वालों का मैं ले रहा हूँ 8 PM को, इट विल बी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट यानी फिजिक्स हो रहा होगा. और जब भी कृषि मैम का लेक्चर होगा तो इट विल बी ऑफकोर्स 4 PM. तो जैसे यहां पर ये हो गया 4 PM, ठीक है, दिस विल बी 4 PM, और जब भी मेरा लेक्चर होगा इट विल बी 8 PM. तो ऐसा नहीं है कि नाइन्थ वालों का 4 बजे और टेंथ वालों का 8 बजे. ठीक है, जब भी संजीव सर का लेक्चर है तो 8 बजे होने वाला है, कृषि मैम का लेक्चर है तो 4 बजे होने वाला है, ये ध्यान रखें. और यहां पर आपका जो भी शेड्यूल है वो दे दिया गया है, डेट के हिसाब से इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर इसको आप सेव करना, इफ यू वांट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है, और भाई जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ इसमें आपका कंसेप्ट नहीं, मेन कॉन्सेप्ट जो है अबाउट वो 80% जो मेन कॉन्सेप्ट होता है पूरे चैप्टर का. ठीक है, उसके अलावा इफ बट जो भी चीजें होती है जो उतनी रेलेवेंट होती नहीं है वो चीज हम ऑब्वियसली नहीं पकड़ेंगे. हम यहाँ पर कम टाइम में आपका प्रॉपर रिविजन करा रहे होंगे, तो इसके लिए यहाँ पर फालतू चीजें अवॉइड कर दी जाएंगी. ओके, एंड जो भी आपका सेक्शन वाइज MCQ हो, वी ऑल्सो हैव एडेड यहाँ पर मेंटी का कॉम्बिनेशन, तो आपका MCQ भी यहाँ पर कवर हो रहा होगा आगे के डेट्स में. ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, अलॉन्ग विद PYQ एग्जाम्पलर, जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कुछ इसके अंदर रहने वाली है. ठीक है, तो गाइस बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है. और जैसा कि मैंने बताया, फॉलोड बाय दिस मैथ इंग्लिश SST, जैसी भी आपकी डिमांड होगी वो सारे सब्जेक्ट्स. मैथ तो राजीव सर अब हिज बैक, तो भाई आपका तो आने वाला है शुभम सर के साथ SST, मंजू राम के साथ SST, और इंग्लिश का ग्रामर भी नाइन्थ और टेंथ दोनों का प्रिया मैम ले रहे होंगे. तो दिस इज समथिंग विच इज कमिंग. और बस मैं अगेन यही कहूंगा कि भाई अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा सही तरीके से रिवीजन हो, वो भी लाइव हो, ठीक है, सारी चीजें हो, सिर्फ चैप्टर ही नहीं क्वेश्चंस भी हो, तो वो सब कुछ हो रहा होगा बहुत ही प्रिसाइज तरीके से. लेकिन इसमें ज्यादा जरूरी होगा कि अगर आप इसको लाइव में ही देखो तो एक अलग ही डायनेमिक तरीके से आप इसको रिवाइज कर पाओगे. इसी के साथ मैं चाहूंगा कि भाई आप इस चीज को, इस अच्छी चीज को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले. नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि वो YouTube रिकमेंडेशन नहीं दे पाता या YouTube नोटिफिकेशन नहीं दे पाता, बहुत बच्चों को काफी बाद में पता चल लगता है. तो मैं चाहूंगा इसी वीडियो को आप शेयर करो ताकि सबको पता लगे और फिर उसके बाद वो इस चीज को मिस ना कर पाए. ठीक है, ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं अब रिविजन करने, कल से शुरुआत कर रहे हैं. ठीक है, नया साल है और बवाल मचाना है. इसी के साथ बाय बाय एंड जय हिंद.